मुझे 6 साल हो चुके हैं YouTube पे व्लॉग्स बनाते हुए, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी एबल टू शेयर माई जर्नी विद ऑल ऑफ यू। मेरा YouTube करियर स्टार्ट ही ट्रैवल से हुआ, लेकिन मैं ट्रैवलर कब बना ये मुझे नहीं पता। बट थ्रू आउट माई जर्नी आई हैव बीन एबल टू कैप्चर सम अमेजिंग स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन एक सवाल के बारे में मैं हमेशा क्यूरियस होता हूँ, एक टूरिस्ट और एक ट्रैवलर में क्या फ़र्क होता है? बड़ी मुश्किल से मैंने उस्मान और हमदान को कन्विंस किया टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम देयर वर्क एंड गो विद मी टू पीर चिनासी। लास्ट ईयर मैं अपने वालिद साहब के साथ गया था कश्मीर टिल नीलम वैली, बट दिस टाइम आई विल बी गोइंग टू कश्मीर विद माय बॉयज टिल पीर चिनासी फॉर पैराग्लाइडिंग। और इस ट्रिप पे मैं सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े पहनूंगा बाय अलमीरा, क्योंकि मैं हर वक्त अपने ब्लॉग में पाकिस्तान को प्रमोट करता हूँ, बट दिस टाइम आई विल प्रमोट आवर कल्चर एंड क्लोथ्स एज़ वेल। सो लेट्स गो। मैं टाइम पे था, उस्मान बहुत लेट उठा है, अच्छा जो है ना 9 बजे निकलना था, और हमदान एक बंदा है हमारे साथ जो कि लेट है। हमदान व्हाई आर यू लेट मैन? उस्मान जरा इधर आओ। व्हाई आर यू लेट कह रहे हैं कि मैं जो है सबसे पहले तैयार हूँ। 8:30 तुम लोग रेडी हो? 8:30 हाँ जी, तो कहाँ जा रहे हो? मैं इस ट्रिप के लिए एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब तक मैंने कश्मीर के ऊपर ड्रोन उड़ाया, बट दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी फ्लाइंग माई सेल्फ ओवर द वैलीज ऑफ कश्मीर, एंड दैट इज एन एक्सपीरियंस लाइक नो अदर। सो लेट्स गो। फर्स्ट मील ऑफ द डे, जहाँ हम लेट होने की वजह से हमें खाना नहीं नसीब होता, हम पहली बार पहला खाना खा रहे हैं। क्या कहते हैं इसको उर्दू में? सिट्टा। सिट्टा है या चिल्ली, हम पश्तो में क्या कहते हैं? वगैरह वगैरह वगैरह। और उस्मान साहब जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। मैम ये गुम्बद मीनाई, ये आलम तन्हाई, मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई। भटका हुआ राही मैं, भटका हुआ राही तू, मंजिल है कहाँ तेरी ऐ लाला सहराई। खाली है कलीमों से ये कोह कमर, वरना तू शोला सीनाई, मैं शोला सीनाई। तू शाख से क्यों फूटा, मैं शाख से क्यों टूटा, एक जज्बा पैदाई, एक लज्जत यकताई। उस मौज के मातम में रोती है भंवर की आंख, दरिया से उठी लेकिन साहिल से न टकराई। है बाद बयाबानी मुझको भी इनायत हो, खामोशी और दिल सोजी, सरमस्ती और रहना। चाचा आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे 24 साल हो गए। लाल किले के बारे में जरा बता सकते हैं? ये जी हाँ बिल्कुल बताएंगे। ऊंचा बोलना होगा आपको। ये लाल किला इसका नाम है, ये 450 साल पुराना है। तो ये शहनशाह अकबर के ज़माने में चक खानदान होता था, उन्होंने ये अपने दफा के लिए बनाया था।
तो इसकी तकमील जो है सुल्तान मुजफ्फर खान साहब के दौर में हुई, जिनके नाम से शहर का नाम रखा गया। और उसके बाद अकबर ने छीन लिया, तो अकबर के बाद फिर लास्ट में डोगरा राज आया। तो इस तरह ये 2005 के जलजला में डैमेज हो गया था। तो अब इंशाल्लाह रिपेयर कर रहे हैं उसको, और करीब ये मुकम्मल हो जाएगा तो पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा उसे। स्टेट कॉन्टिनेंटल होटल हम पहुंच गए हुए हैं, लेट निकले थे यार। बात सुनो, तुमने मुझे नहीं बताया था कि मैंने जंप करना है। मैंने भी जंप करना है। अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो होटल हम पहुंच गए हुए हैं, लेट निकले थे। वैसे तो आइडिया ये था कि हम सनसेट से पहले पहले पहुंचेंगे, बट रात हो गई हुई है, अब बाकी हम फिल्मिंग कल करेंगे। उस्मान साहब ने कमरा जो है ना लॉक कर दिया हुआ है। कलाओ का फ्रॉम पीर चनासी। रात को हम काफ़ी लेट पहुँचे, सो गए थे। अभी सुबह उठते साथ ही ज़रा सनराइज़ वगैरह इन्जॉय किया। उस्मान और हमदान अभी तक सो रहे हैं, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग डे अहेड। सर सो गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। सुने आपके और उस्मान की वॉशरूम पर लड़ाई हो रही है। यार मैं 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ, बाहर आया अभी, उसका आधा काम हुआ है, फिर चला गया अंदर। ديك في الرمالة ونستنا تحت الشديرة مجھے کچھ نہیں، اس نے مجھے بولا کہ ویکینڈ پہ کیا کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کو ایک چیز سمجھائی تھی، آپ نے صرف ٹانگ اٹھائی نہیں سر۔ اور یہ گوپرو جو ہے نا ضروری ہے سر، فلمنگ جو ہے نا جو بھی ہو فلمنگ نہیں رکنی چاہیے، تو مست کچھ بھی ہو جائے کیمرہ نہیں رکنا چاہیے، ریکارڈ ہونا چاہیے۔ पैराग्लाइडिंग का कल्चर है पीर चनासी के साथ, इसका कितना बॉन्ड बन गया? अब पहचाना जाता है कि नहीं पीर चनासी? अब यहाँ पीर चनासी तो इस वक्त पैराग्लाइडिंग के नाम से ही ज़्यादा जाना जा रहा है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान के हर पायलट यहाँ पे फ्लाइंग कर रहे हैं, बहुत दुनिया आगे फ्लाइंग कर रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल लोग ज़्यादा फ्लाइंग करें। तो आस्ता आस्ता आ रहे हैं, इंशाल्लाह सीख रहे हैं लोग, लोकल कश्मीरी लोग कश्मीरी आ रहे हैं आस्ता आस्ता इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू सर। तो ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको यार क्या कहते हैं? इसको पैरा वेटिंग कहते हैं, हम विंड का वेट कर रहे हैं कि जब विंड रेडी हो जाएगी तो फिर हम पैरा ग्लाइडिंग करेंगे। और ये जो मैं कर रहा हूँ इसको कहते हैं पैरा ड्रिंकिंग। हमदान भाई पैरा नर्वस हैं। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने पैरा वॉमिटिंग नहीं करनी। कश्मीर
जैसे कि मैंने ब्लॉग की शुरू में कहा था कि मेरा यूट्यूब करियर स्टार्ट ही ट्रैवल से हुआ था, लेकिन मैं ट्रैवलर कब बना ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे अब ज़रूर समझ आ गई है कि एक टूरिस्ट और एक ट्रैवलर में क्या फ़र्क होता है। एक टूरिस्ट सैर व तफरी करने के लिए फेमस प्लेसेस, फेमस डेस्टिनेशंस और लोकल अट्रैक्शंस के पास जाता है, लेकिन एक ट्रैवलर लोकल्स के साथ घुल मिलकर उनका कल्चर एक्सप्लोर करता है और इन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो एक स्टोरी टेलर बनता है। और मैं एक ट्रैवलर तब बना जब लगने लगा दुनिया भर मेरा घर। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।